हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग गाइस। ये 16 अक्टूबर की क्लिप है और आप सभी को ठुक ठुक की आवाज़ आ रही है ना, वो घर में थोड़ा सा काम चल रहा है उसी की आवाज़ आ रही थी। तो फ्राइडे था और मेरा फास्ट है, तो मैंने सारे बर्तन क्लीन किए थे मॉर्निंग में, वो सारे बर्तन मैंने लगा दिए। सारे नहीं लगाए, थोड़े बहुत रह भी गए, आप देख सकते हैं। और मैं बनाने लग रही हूँ चाय, क्योंकि चाय मैं नहा कर के ही पीती हूँ फास्ट वाले दिन। और बस चाय बनने के लिए रख दी है, इन्होंने भी चाय नहीं पी है, तो दोनों के लिए मैं अभी चाय बना रही हूँ। तो चाय के साथ मैं फ्राई कर रही हूँ मखाने थोड़े से, क्योंकि मैं तो चाय के साथ मखाने ही लूँगी, और ये बिस्किट ले लेंगे क्योंकि इनका फास्ट नहीं है, मेरा फास्ट है। तो बस यहाँ पे मैंने थोड़ा सा घी डाल दिया है कढ़ाई में, और घी जैसे ही मेल्ट हो जाएगा उसके बाद मैं इसमें मखाने डाल दूँगी। जब तक चाय बनेगी तब तक ये मखाने अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगे। तो इस तरह से बिना नमक के मखाने मैं बना लेती हूँ, चाय के साथ खाने में अच्छे लगते हैं और फास्ट में भी सही रहते हैं मखाने खाना। तो बस यहाँ पे मखाने फ्राई कर लेती हूँ, और ये देखिए यहाँ पे बन रही है मेरी चाय। तो ये मैंने अदरक इलायची वाली चाय बनाई है दोनों के लिए, और साथ में यहाँ पे मखाने भी आप देख सकते हैं कितने क्रिस्पी हो गए हैं ना। गैस को मैंने बंद कर दिया था और ये रेडी हैं। चलिए मैं चाय मखाना अपना खा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। ये देखो गाइस, नए घर में आते ही हो गई तोड़ा फोड़ी और ये गड़बड़ हो गई है। तो ये जो यहाँ से पानी ना लीक हो रहा था, कोई पाइप जो है वो फूट गया था, उसके कारण नीचे आंटी जी के फ्लैट में ना बहुत ज़्यादा सीलन जा रही थी। तो ये करना बहुत ज़रूरी था, नहीं तो पूरे फ्लैट में सीलन हो जाती। और अभी टाइल वाले भैया भी आएंगे, देखते हैं कब आएंगे। तो ये टाइल जो है यहाँ पे चेंज होगी या जो भी कुछ होगा वो मुझे नहीं पता, होगा वो मैं आपको बता दूंगी। तो फिलहाल तो ये हाल हो गया है हमारे वॉशरूम का, अच्छी भली हालत में था लेकिन देखो आते से ही ये हो गया। तो घर में काम चल रहा था इसलिए मैंने आपसे ज़्यादा बातें नहीं की हैं। अभी मैं तैयार हो गई हूँ पूजा के लिए, क्योंकि इवनिंग होने ही वाली है। और बस यहाँ पे मैं अपनी बैंगल्स वगैरह निकाल रही हूँ पहनने के लिए कि क्या पहनूँ। आज मेरा मन कर रहा था कि मैं अच्छे से बैंगल्स पहनूँ, साड़ी पहनूँ, और ये देखो मैंने अपनी हेयर स्टाइल भी बना ली, आप देख सकते हैं। मैंने गजरा भी लगाया है और अपना एक बन भी बनाया है, तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ पास से। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप सभी। इवनिंग में आपसे बात कर रही हूँ मैं, अभी धूप है बाहर, सुबह से मैंने यहाँ पे गेट ही नहीं खोले थे, अभी खोल रही हूँ, लेकिन अभी भी धूप है तो बंद ही कर देती हूँ मैं। और अभी बज रहे हैं तो 4 o'clock, अभी टाइम हो गया है। से हेलो, हेलो, आप कहाँ जा रहे हो? बाल कैसे हो रही है? जैसे हो रहे हैं वैसे ही दिख रहे हैं। और ये देखो गाइस, मैंने ना आज बन बनाया है, पर ये ना जल्दी जल्दी में बनाया है, इसलिए ऐसे बनाया है क्योंकि फेस्टिवल आने वाले हैं ना, तो मैं भी अभी अपना हाथ जो है साफ कर लूं क्योंकि मुझे भी ज्यादा हेयर स्टाइल बनानी नहीं आती, लेकिन जो भी आती है ना आपके सामने ही रहती है। इस तरह से बनाया है, ये देखो ऊंचा सा बनाया है, कभी कभी यहाँ नीचा वाला भी अच्छा लगता है, कभी कभी ऊंचा वाला भी अच्छा लगता है। और मैंने पहनी है साड़ी क्योंकि आज है मेरा फास्ट, फ्राइडे है, और आज की डेट 16 अक्टूबर और आज है फ्राइडे, तो फ्राइडे को मेरा फास्ट रहता है जैसे कि। और ये मेरा जो फास्ट है ना वो अब एंड होने पर चल रहा है, नेक्स्ट फ्राइडे मैं करूँगी उद्यापन। और ये देखो आज मैंने चूड़ियाँ भी कैसी पहनी है, बहुत दिन के बाद मुझे अच्छा लग रहा था कि मैं इस तरह से चूड़ियाँ पहनूँ। ये ना मेटल की है, तो खाली मेटल की चूड़ियाँ नहीं पहनी जाती है ना, इसलिए मैंने कांच की चूड़ी लगा ली है, गोल्डन और पिंक है ना, बट ये पिंक अलग है, कोई नहीं, कंट्रास्ट हो गया। और इसमें मैंने वॉच पहनी है आज, तो थोड़ा सा तैयार वैयार होने में टाइम हो गया है। और अभी मैं जस्ट एक वीडियो एडिट कर रही थी ना, तो इसलिए मैं आप लोगों से बातें नहीं कर पाई हूँ। तो अभी बस मुझे खाना बनाना है, प्रसाद बनाना है, पूजा की तैयारी लगानी है, सारा कुछ करना है, अभी कुछ नहीं किया है। और 4 बज गए हैं देखो ना, तो चलिए बस मैंने सोचा कि आप लोगों से हाय हेलो तो बोल ही दूँ कम से कम, सो वैसे नहीं बोला है। और बहुत सारा काम फैल गया था ना मॉर्निंग में, तो वो तो सारा कुछ हो गया है, सिर्फ वो टाइल लगनी रह गई है वहाँ पे, वो भी लग जाएगी, देखते हैं कब लगती है। तो आज मैं आज ना मेरा पूरी खाने का मन कर रहा है, पूरी भाजी आज मेरा पूरी भाजी खाने का मन कर रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कि आलू की सब्जी और पूरी बना लेते हैं। और देखो कल है नवरात्रि, तो आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।
कल है 17 अक्टूबर और कल से नवरात्रि स्टार्ट है, तो 9 दिन के लिए मतलब आज से ही नो लहसुन नो प्याज, बिना प्याज लहसुन का खाना बनेगा घर में 9 दिन तक। और आज मेरा व्रत है तो आज भी कोई लहसुन प्याज का यूज नहीं हुआ है घर में, तो कल भी मेरा फास्ट रहेगा, आज भी मेरा फास्ट है। तो कल मैं एक टाइम सेंधा नमक खाती हूँ और व्रत की रेसिपी मैंने मखाना खीर रेसिपी आपके साथ शेयर की है, तो आप देख सकते हैं श्रांजलि की रसोई पे। और धीरे धीरे मैं एक एक करके आपके साथ से जितनी भी रेसिपी हो सकती है कोशिश करूंगी शेयर करने की, और वहां नहीं करूंगी तो फिर यहाँ ब्लॉग में तो मैं कर ही दूंगी, क्योंकि अपने लिए बनाऊंगी तो आपके साथ भी शेयर करूंगी। और मैं 9 दिन के फास्ट नहीं करती हूँ, मैं फर्स्ट एंड लास्ट करती हूँ। तो मैं कल का व्रत रख लूंगी, उसके बाद मैं करूंगी लास्ट वाला व्रत। इस तरह से मेरी नवरात्रि की स्टार्टिंग एंडिंग होती है। और कन्या पूजन करते हैं जैसे कि मैं हर बार आपके साथ शेयर करती हूँ, तो इस बार सारे फेस्टिवल थोड़े से डिफरेंट हैं, आप समझ सकते हो ना, क्योंकि ये जो कोरोना की वजह से, तो लेकिन हम घर में तो खुश रह ही सकते हैं, घर में तो हैप्पी रह ही सकते हैं, अच्छे नए नए कपड़े पहन के, है ना, और अच्छे अच्छे व्लॉग आपके साथ शेयर तो कर ही सकते हैं, कहीं जाना तो है नहीं। तो चलिए फिर अब मैं जा रही हूँ किचन में, अपना काम करती हूँ स्टार्ट और देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं सोच रही हूँ कि पूजा की तैयारी लगा लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं जो खाना पीना है वो बनाऊंगी, क्योंकि अभी किचन में थोड़ी सी ना धूप आ रही है, तो इतनी धूप में मैं सोच रही हूँ कि पहले इधर का काम कर लेते हैं उसके बाद किचन में चलेंगे। तो मैंने पूजा की थाली लगा ली है और अभी मुझे निकाल रही हूँ मैं यहाँ पे चावल, तो मैं आधी कटोरी चावल निकाल लेती हूँ हर फ्राइडे को, क्योंकि उसमें से आप लोग बोलते हैं दीदी आप कलश के नीचे चावल नहीं डालते हो क्या, मैं डालती हूँ और चढ़ाने के लिए भी चाहिए होते हैं और कलश के नीचे डालने के लिए भी चाहिए होते हैं, तो मैं यहाँ पे आधा कटोरी चावल लेकर के आई हूँ। और ये जो चावल हैं चढ़ाने के बाद जब हम लोग ये पट्टियाँ वगैरह हटाते हैं उसके बाद ये सारे चावल मैं पंछियों को डाल देती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने पूजा की तैयारी जो है पट्टा लगा लिया है और ये देखिए मैं यहाँ पे चावल रख रही हूँ, क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे कमेंट आते हैं क्योंकि ना कलश के नीचे चावल इतने ज़्यादा दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन जब मैंने आपके साथ फ्राइडे पूजा डिटेल में शेयर की थी तब मैंने बताया था कि मैं चावल के ऊपर ही कलश रखती हूँ। तो यहाँ पे स्वास्तिक बना रही हूँ और ये आपको उल्टा हाथ दिखाई दे रहा होगा, उल्टा ही स्वास्तिक दिखाई दे रहा है, लेकिन मैंने ना सीधा ही बनाया था क्योंकि फ्रंट कैमरा रहता है इसलिए आपको उल्टा दिखाई देता है, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि आप लेफ्ट ही हैं क्या, लेफ्ट हैंड से सारे काम करते हैं, तो मैं आपको बता दूं मैं राइट हैंड से सारे काम कर रही हूं और सीधे ही कर रही हूं, लेकिन आपको उल्टा दिखाई दे रहा है। तो बस यहां पे देखिए मेरा कलश रेडी है, उसके ऊपर मैंने कटोरी रखी, उसमें रिंग रख दी है और ये जो पट्टा है वो लग के तैयार हो गया है। अभी मैं किचन में आई हूं प्रसाद बनाने के लिए, तो प्रसाद बना लेते हैं। आज मैं बना रही हूँ सूजी और बेसन का हलवा, उसके लिए मैंने थोड़ी सी सूजी डाल दी है उसके बाद मैं डाल रही हूँ इसमें बेसन, तो 2 छोटी चम्मच मैंने बेसन भी डाल दिया है। और अभी मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा घी, तो पहले इसको भूनेंगे उसके बाद इसका हलवा बनाएंगे। अभी मैंने पूजा की तैयारी कर ली है और अब मैं बना रही हूँ प्रसाद, तो आज बना रही हूँ सूजी बेसन का हलवा और बस ये बन जाएगा। ये गए हैं फूल लेने के लिए क्योंकि फूल नहीं थे मेरे पास, और फूल लेके आ जाएंगे फिर मैं अपनी पूजा कर लूंगी उसके बाद खाना बनाऊंगी, क्योंकि खाना बना के रख लो और खाते हम लोग वही है 7 बजे तक 6:30 बजे तक, तो कोई मतलब नहीं है जल्दी बनाने का। मैंने सोचा कि पहले पूजा कर लूंगी उसके बाद ही खाना बनाऊंगी। तो हलवा बनके तैयार हो गया है और बस मैं यहाँ पे मंदिर में ले जाकर रख देती हूँ, तैयारी पूरी मेरी लग चुकी है। तो ये देखिए ऊपर से मैंने ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं, थोड़े से इलायची पाउडर डाला था और अभी पूजा करने में थोड़ा सा टाइम था तो मुझे लगा कि चलो मैं ना यहाँ पे डो लगा के रख देती हूँ पूड़ियों का,
जिससे मैं पूजा वगैरह करूँगी। उसके बाद जितने काम कम हो जाते हैं उतने लगता ही है कि चलो ये भी कर लेते हैं ये भी कर लेते हैं, अगर थोड़ा सा टाइम भी मिले तो। वैसे भी ऑलरेडी मैं थोड़ा सा लेट ही चल रही थी, और यहाँ पे ये भी बैठे हुए हैं क्योंकि मैं उनसे बातें कर रही हूँ। तो देखो मेरे एक हाथ में चूड़ियाँ कितनी सारी पहनी है, तो मुझे ना डो लगाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो उनको एक हाथों से पकड़ती जा रही थी और डो लगाती जा रही थी। और लगाने के बाद हैंड वगैरह वॉश करने के बाद अभी मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए। तो बस अपनी पूजा जो है वो मैंने स्टार्ट कर दी है, तो 5 बजे के टाइम पे मैंने पूजा करना स्टार्ट कर दिया था। और बस जैसे मैं करती हूँ वैसे ही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक बड़ा शहर था, इस शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले के ज़माने के लोग साथ साथ रहते थे और एक दूसरे के काम आते थे, पर नए ज़माने के लोगों का स्वरूप ही अलग सा है। सब अपने अपने काम में लत रहते हैं, किसी को किसी की परवाह नहीं, घर के सदस्यों को भी एक दूसरे की परवाह नहीं होती। भजन कीर्तन भक्ति भाव दया परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए हैं। तो पूजा हो गई, कथा भी हो गई, उसके बाद अभी मैं कर रही हूँ आरती। तो लक्ष्मी जी की आरती करती हूँ और गणेश जी की आरती कर लेती हूँ, और इसी टाइम पे मैं पूरे भगवान जी की भी आरती कर देती हूँ, क्योंकि इवनिंग तो हो ही जाती है मुझे, क्योंकि उसके बाद फिर मैं खाना वगैरह खाती हूँ। तो तुलसा जी पे भी मैंने दीपक वगैरह सब लगा दिया है, और अभी मैं आई हूँ किचन में। तो बस यहाँ पे अभी मैं डिनर की तैयारी कर रही हूँ, और आज मुझे याद आया कि बहुत दिन से मैंने पापड़ फ्राई नहीं किए हैं, ये ना घर की पापड़ हैं, मुझे याद ही भूल जाती है निकालने की। तो अभी सारे डब्बे मैंने क्लीन वगैरह किए थे ना, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़े से पापड़ निकाल के बाहर ही रख लेती हूँ, जिससे मुझे याद भी रहेगा। और बस यहाँ पर थोड़े से मैं पापड़ जो फ्राई कर लेती हूँ, और साथ ही साथ मैंने आलू मटर की सब्ज़ी को भी छोंक दी थी। तो साइड वाली गैस पर आप देख सकते हैं कुकर रखा हुआ है, सब्ज़ी जो वो बन चुकी है, कुकर ठंडा हो जाएगा, उसके बाद मैं सब्जी को देख लूँगी कि कैसी बनी है। और डो मैंने लगा के रख ही दिया था, मीठे में हलवा रहेगा, तो यही मैंने सारा डिनर बनाया था। तो मैंने अभी पापड़ फ्राई कर लिए हैं, आलू की चिप्स हैं, और ये राइस वाले पापड़ हैं, ये राइस वाले पापड़ हैं, ये घर के लिए बने हुए हैं। और मैंने आलू मटर की सब्जी बनाई है जो कि बना ली है, और मैं इसमें डाल रही हूँ हरा धनिया, थोड़ा सा गरम मसाला, और मैं आज बना रही हूँ पूरियाँ, क्योंकि मेरा ना पूरी खाने का मन है। इनका जो मन करेगा वो मैं इनके लिए बना दूंगी, ये अभी खाना नहीं खा रहे क्योंकि इन्होंने लंच लेट किया था, तो बोल रहे कि मैं बाद में खाऊंगा, तुम खा लो। और अच्छा, मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं कि आपने टमाटर कैसे डाला सब्जी में, आपने ऐसा कैसे किया। तो मैं आपको बता दूं, मैं रहती हूँ वैभव लक्ष्मी व्रत, जिसमें कि खटाई जो है वो खा सकते हैं। संतोषी माँ का जो व्रत होता है उसमें खटाई को हाथ भी नहीं लगाते हैं, मतलब जो व्रत करते हैं वो तो खाते ही नहीं है, फैमिली में कोई भी नहीं खाता है, घर में बनता ही नहीं है खट्टा। तो संतोषी माँ के व्रत में ये होता है कि टमाटर नहीं खाना है, आमचूर नहीं खाना है, कोई भी खट्टी चीज नहीं खानी है। तो ये वैभवलक्ष्मी व्रत में मतलब ऐसा कुछ है नहीं, खा सकते हैं। तो मैंने सब्जी बना ली है, अभी मैं पूड़ियां फ्राई करने वाली हूँ, उसके बाद मैं खाना खा लूंगी, क्योंकि अभी 6:30-7 बजे का टाइम हो रहा है, एग्जैक्ट मैंने देखा नहीं है, मैं किचन में ही बिजी हूँ तभी से। और पूजा मेरी हो गई थी, तो बस तो अभी मैं बना रही हूँ पूड़ियाँ, तो बस अभी मैं ही खाऊंगी, क्योंकि इन्होंने मना कर दिया, इनको अभी नहीं खाना है, इन्होंने लेट किया था ना लंच, इसलिए इनका मन नहीं है। तो जब ये खाएंगे तो मैं इनके लिए गरम गरम सेक दूंगी, अभी बस मैं अपने लिए सेक रही हूँ, और भगवान जी का भोग भी लगा दूंगी। और फ्राइडे वाला दिन मेरा इतना बिजी दिन रहता है कि मैं आपको क्या बताऊँ,
सुबह सारे घर के सारे काम होते हैं और आफ्टर होते होते बस मैं सारे काम जो करना स्टार्ट कर देती हूँ इवनिंग के, जैसे कि पूजा वगैरह की तैयारी करना और फिर खाना वगैरह बनाना, ये सारे काम। तो कब रात हो जाती है काम करते करते मुझे पता ही नहीं चलता। और कहने को तो हम दो ही लोग हैं, आप लोग बहुत से लोग ऐसे कमेंट करते हैं कि आप तो दो लोग हैं, कितना काम होता है दो लोगों में और इतने सारे बर्तन कैसे हो जाते हैं। तो मैं आपको बता दूँ, हम भले ही दो लोग हैं लेकिन काम पूरा ही होता है, जितने चार लोगों का होता है उतना ही दो लोगों का भी होता है। रही बर्तन की बात, तो आपको पता है कि मैं कुछ ना कुछ रेसिपी वगैरह बनाती रहती हूँ, या फिर कोई आ जाता है, या फिर दो लोगों में भी बहुत बर्तन निकलते हैं यार, ऐसा नहीं है कि बर्तन नहीं निकलते हैं। बस ये है कि मैं ना थोड़े थोड़े बर्तन क्लीन करती रहती हूँ ना, तो मुझे इतना ज़्यादा वो नहीं होता है कि बहुत सारा एक साथ में हो जाएगा उसके बाद ही क्लीन करेंगे, मैं थोड़े थोड़े पर ही क्लीन करती रहती हूँ। तो बस ये देखिए, बातों ही बातों में खाना बन के तैयार है। सैलेड कट कर लिया, आलू मटर की सब्जी है, हलवा पूरी है और साथ में है पापड़। तो आप लोग भी आ जाओ खाने के लिए। तो खाना वगैरह खाने के बाद, किचन क्लीन करने के बाद, बर्तन क्लीन करने के बाद मैं आई हूँ आंटी जी के साथ। ये भी साथ में आए हैं, प्रियंका भी आई है, आंटी जी भी आई हैं। तो हम लोग मार्केट आ चुके हैं क्योंकि दूसरे दिन से नवरात्रे स्टार्ट थे, तो आंटी को भी थोड़ा बहुत सामान लेना था, मुझे भी लेना था। तो हमने सोचा कि चलो खाना खाने के बाद घूमना का घूमना हो जाएगा। और हम लोग लेट इसलिए आए हैं जिससे थोड़ा सा भीड़ कम हो जाएगी, क्योंकि फेस्टिवल के टाइम पर भीड़ होती है मार्केट में। तो हम लोग 10-10:30 बजे घर से निकले थे क्योंकि बहुत पास में हम लोग डेली घूमने के लिए जाते हैं, उसी टाइम पे हम लोग निकले थे। सामान वगैरह लेकर के बस घर जाएंगे। ये व्लॉग अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को। मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।